स्ट्राइक्स कर लगातार बड़े अटैक्स कर पूरे इलाके की क्या तस्वीर बना दी है आप देख सकते हैं। मैं और मेरा कैमरा पर्सन निशांत आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन निशांत भारतवर्ष को पूरी दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस समय जो एपिसेंटर बना हुआ है इस जंग का वहां हम मौजूद हैं। ये साउथ लेबनान तक या फिर आप कह सकते हैं कि बेरूत तक भी इस जंग की आंच या फिर उसकी तपिश पहुंच चुकी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर वन बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी निधि, अंजलि, प्रतिमा और रवि भी मौजूद हैं। शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ और ये अहम खबर जंग के मैदान से। इजराइल की एयर स्ट्राइक और ग्राउंड ऑपरेशन दोनों जारी। उधर लेबनान में जहां IDF ने हमला कर बड़ी तबाही मचाई है, वहां पर TV9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है। रात भर लेबनान के बेरूत में इजरायली कहर बरपा। हम आपको लेबनान के वॉर जोन से TV9 रिपोर्टर सुमित चौधरी और वीडियो जर्नलिस्ट निशांत की वो रिपोर्ट दिखाएंगे जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि युद्ध में कुछ नहीं बचता, रह जाती है तो सिर्फ और सिर्फ तबाही। TV9 की टीम अपनी जान जोखिम में डालकर आप तक हमले की एक एक तस्वीर पहुंचा रही है। आपके सामने जाबाज रिपोर्टिंग की ये 6 तस्वीरें। कितना जोखिम उठाकर TV9 संवाददाता सुमित चौधरी रिपोर्टिंग कर रहे हैं सीधे लेबनान के खतरनाक वॉर जोन से, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और लेबनान के बेरूत पहुंच गया है TV9 भारतवर्ष, जहां आज सुबह हमला हुआ वहां से आपको हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं। बेरूत में आज भी इजराइल का हवाई हमला हुआ है। हमले वाली जगह से सुमित चौधरी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। हिजबुल्ला के गढ़ से जाबाज रिपोर्टिंग आपको दिखाएंगे। तो बेरूत लगातार टारगेट पर है। बेरूत में आज भी इजराइल का हमला हुआ है, हवाई हमला हुआ है, एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। जिस जगह पर अटैक हुआ वो पूरा इलाका देखिए किस तरह से तहस नहस हो चुका है, तबाही देखने को मिल रही है। जो इमारतें इसकी जद में आई है इस अटैक में, यहां पर कई कारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, सब कुछ तबाह होता हुआ दिख रहा है। ये तस्वीरें जो भीषण तबाही की गवाही दे रही हैं, ये तस्वीरें जहां पर हवाई स्ट्राइक हुई, हवाई हमला हुआ, वहां पर सब कुछ तबाह होता हुआ दिख रहा है। तो तस्वीरें लगातार सुमित हमें भेज रहे हैं और तस्वीरें ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार अटैक हो रहा है। बेरूत टारगेट पर है। बेरूत में अब तक कई तरह के हमले हो चुके हैं, लेकिन जो ताजा घटनाक्रम हुआ यानी ताजा अटैक हुआ है जहां पर रॉकेट से हमला हुआ, वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि पूरा इलाका जहां पर हवाई सर्वेक्षण हुआ, हवाई हमला हुआ, जब सर्वेक्षण किया गया सुमित के तरफ से, तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। जिस बिल्डिंग को आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में, वो बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई, यहीं पर ही एयर स्ट्राइक हुई थी। और सुमित दिखा भी रहे हैं, घर, दुकान, लाइब्रेरी सब जमींदोज हो गया एक साथ जैसे ही अटैक हुआ। बेरूत विध्वंस के ये साक्षात प्रमाण हैं जो हम आपके सामने टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। जलते मकान आप देख सकते हैं, सब कुछ तहस नहस होता हुआ देख सकते हैं, सब कुछ तबाह होता हुआ आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। TV9 भारतवर्ष पहला न्यूज़ चैनल है जो लेबनान वॉर जोन से इस वक्त आपको फ्रेश रिपोर्टिंग करके ताज़ा विजुअल्स बता रहा है। और ये सुमित की ही तस्वीरें भेजी हुई हैं जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली बार आप ऐसी रिपोर्टिंग देख रहे हैं, तबाही के निशान आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लेबनान वॉर जोन में क्या इस वक्त तबाही का मंजर है। और एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं सुमित चौधरी की। हम इस समय मौजूद हैं बेरूत के हारेट इलाके के अंदर, जिसने इसराइल ने अभी अभी थोड़ी देर पहले अटैक किया है। आप सायरन सुन सकते हैं, धुआं की गंध, मैं आपको बताऊं कि पूरे इलाके में थोड़ी देर पहले इस इलाके को खाली करने के लिए कह दिया गया है, खासतौर पर इसराइल की तरफ से, क्योंकि इसराइल अब इन इलाकों को टारगेट कर रहा है। और अगर आप देखें ये पीछे घरों के अंदर आग लगी आप देखेंगे, और ये पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया है। इस समय TV9 भारतवर्ष आपको लेबनान से, खासतौर पर बेरूत के आसपास के उन इलाकों से रिपोर्टिंग करके दिखा रहा है जहाँ पर इस समय अटैक हुए हैं इसराइल ने। ये देखिए, अगर आप देख रहे हो कि ये पूरे इलाके पर अभी बम्बारमेंट की गई
हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सारी बिल्डिंगों को खाली कर दिया है। ये बेरूत के पास के वो इलाके हैं ताहिया के, जहाँ पर लगातार इन इलाकों में अभी इसराइल की तरफ से अटैक किए गए हैं। ये हेरेट है और मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हेरेट के इस इलाके में इसराइल ने साफ तौर पर कह दिया कि कुछ ही मिनटों में यहाँ के लोग यहाँ से खाली करते हैं। अगर आप देखें, ये देखिए, अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊँ, क्या इलाका है, पूरी तस्वीर आप देखें कि सारी की सारी जो शॉप्स हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं, लोग यहां से खाली करके इन इलाकों को जा चुके हैं।